अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल सबका? ठीक है? वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। माय नेम इज़ उमर ख्वाजा। अच्छा, हमने इंग्लिश के स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। मैंने एक्टिव पैसिव करवाए थे। उसके पहले कंडीशनल सेंटेंसेस हुए, ऐसे मतलब पी एम एस के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, मतलब ट्रांसलेशन चीज़ें और वगैरह, इसमें मैंने कहा था एक दफ़ा पहले कवर करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम सी एस एस की तरफ जाएंगे। अच्छा, मेरे एक्टिव वाइज वाइज हो गए थे। उसके बाद आज हमने करने हैं ट्रैक एंड ट्रैक। इन चला दो वीडियोस में ट्रैक एंड पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम डेटर एप्लीकेशन, प्रेपोजिशंस और ट्रांसलेशन के ट्रिक्स और देन प्रेसिव हो जाएंगे और हमारे इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैक एंड ट्रैक से। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक एंड ट्रैक। ठीक है जी, सबसे पहले दो तीन रूल्स मिल लें। इसमें रूल्स लाजमी हैं। लास्ट टाइम जो हमने एक्टिव पैसिव में किए थे तो हमने तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हमने पढ़ी थी और उसके लिहाज से हमने सारे किया था। ठीक है जी, या इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर आप कभी ट्रैक एंड ट्रैक का पेपर देखें, पास पेपर उठा के देखें, तो उसमें एक फॉर्म होती है जो हम मतलब एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है और एक पार्ट होता है जो मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर होता है। जो इन्वर्टेड मतलब आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स भी सेंटेंस नहीं लिखा हुआ, उसको हम कहते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच कह लें। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच कह लें, क्योंकि हमें उसमें चीज़ में असल चीज़ हमने वर्ब देखनी होती है, तो आप उसको स्पीच कह लो, वर्ब कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी, और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स का जो हमारा सेंटेंस होता है या स्पीच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आउटसाइड रिपोर्टिंग है और इनसाइड हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेट है। ये आपने याद रखने को आगे काफ़ी चीज़ हम यही यूज़ करेंगे, रिपोर्टेड में ऐसा आएगा, रिपोर्टिंग में आएगा, तो वहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है यार ये रिपोर्टिंग कौन सी थी। मैं अक्सर कई दफ़ा खुद खोल के देखता हूँ कि यार ये रिपोर्टिंग कौन सी, रिपोर्टेड कौन सी है, तो अब आप इसको किसी तरह रट्टा मार लें। ठीक है जी, और जो वर्ब इनसाइड द कॉमर्स है उसको हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, जो मैंने पहले बात की है। ठीक है, एक तो ये रूल है। दूसरा, हमने इसमें क्या क्या चेंज करना होता है। ठीक है, जनरल रूल इसे कहते हैं, शायद ये आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मैंने खुद कहीं से निकाले हैं, क्योंकि ट्रिक एंड ट्रिक्स भी मैं देखता हूँ। एक चीज़ हम इसमें करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पहली चीज़ हमने इसमें क्या चेंज करनी होती है, पर्सन को चेंज करना होता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, चेंज ऑफ टेंस करना होता है। लाजमी नहीं है हमेशा टेंस चेंज करें, वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कब टेंस चेंज करना है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली अगर आठ आएंगे ना, आठ में से पाँच करने हैं, तो वो पाँच छः वही देंगे जो टेंस चेंज वाले होंगे। दो ऐसे होते हैं जो टेंस चेंज नहीं करना होता बिल्कुल भी, वो किसी को पता ही नहीं होता कि इसमें टेंस चेंज करना है कि नहीं करना। ठीक है, तीसरे में हमने क्या करना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच के मतलब के अब इसमें कई पार्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह सारा कुछ, वर्ब क्या, ये वो, डैट, इन डैट, इफ, वेदर, आपने ऑर्डर टू कब लगाना है, इन्फिनिटिव सेंटेंस आएंगे तब क्या करना है, नैरो टू सेंटेंसेज आएंगे तब आपने क्या करना है। ठीक है, आपने डिफरेंट चीज़ें जो डिफरेंट रूल हैं वो उसके अंदर हमें देखने होते हैं, ये हम एंड में देखेंगे। ये आपकी तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा, ठीक है, ये सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चेंज करना होता है। ठीक है जी, आप देखेंगे अगर मतलब कि एक तो ये आपका रूल हो गया, आप अगला रूल चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या चेंज करना है, पर्सन को चेंज करना है। इसके पहले दो रूल सुन लें। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन जो हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद होता है। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है जो हमने चेंज करना है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट है ना,
हम अपने फर्स्ट पर्सन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सबसे पहले रूल्स लिख लें कि सबसे पहले हम जो चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर, ठीक है। सेकेंड दूसरा आ गया, सेकेंड जो पर्सन होगा उसको कैसे चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग का। पहला पर्सन हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट हमने पर्सन चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर जो थर्ड पर्सन है उसको हम कभी चेंज नहीं करते, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन ऐसे का वैसे ही आएगा, ठीक है जी। इसका एक सब बड़ा अच्छा फार्मूला है इसको याद रखने के लिए, एस ओ एन, एस क्या जी सब्जेक्ट, ओ क्या ऑब्जेक्ट, एन क्या नो चेंज। पहले पर्सन को हमने सब्जेक्ट की चीज चेंज करना है, दूसरे को ऑब्जेक्ट के लिए आते, तीसरे को हमने नो चेंज सन। ये अगर आपने याद करना है तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है जी। तो अब आपको अगर मैं एक बात बोल दूँ कि सेल्स टू मी इन्वर्टेड कॉमास किधर है जी, यू आर काइंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अभी इसको कन्वर्ट करके नहीं दिखूंगा, वो आप खुद करेंगे। अब ये ही क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, जो आउटसाइड होता है। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से, ये हमारा क्या है यू है आई। अगर आप यू देखेंगे तो यू क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का, थर्ड थर्ड पर्सन है यू क्या। हम फर्स्ट पर्सन को कहते हैं, सेकंड को कहते हैं, थर्ड को कहते हैं, जिस हिसाब से कहते हैं उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। मी क्या है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इसको हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे, कोई इसमें वो ही बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक पर्सन का रूल हो गया। उसके बाद अगर आप देखें डायरेक्ट, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में से है, सेज हैं, या थर्ड फॉर्म क्या बताती है सेड, से सेड, इन तीनों चीज़ों पे आएगा, टेल्स टेल टेल्स टेल टोल्ड ऐसे आ जाएगा, या मतलब ये हमेशा आएगा ही से या ही से, जैसे इसमें ही सेज आया। तो जो से है, से को हम किस में चेंज करेंगे, टेल में, सेज को हम टेल्स को, और सेट को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही मज़े का है कि जब भी आपको इंटरेक्ट में आए, आपको अगर पासवर्ड उठा के देख लें, हर ट्रैक स्पीच में जो भी ट्रैक इंटरेक्ट में आया हुआ है, तो ट्रैक में आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी, और इनके अलावा आपको बहुत मुश्किल कोई आ जाएगा जो हम इंपेरेटिव में आ जाएगा, वो ऑर्डर दे रहा हो, लेट आ रहा हो, वो अलग सीक्वेंस है, वो मैं बताऊंगा, एक वो कॉन्सेप्ट अलग है बस, बाकी यही कॉन्सेप्ट है कि आपको सेव या सेड आ रहा होगा, इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं आ रही होगी पेपर में, कभी और चीज़ नहीं आएगी। ये सेज टू मी शी इज़ ब्यूटीफुल, ही सेज आई एम टीचर, शी सेज टू मी आई एम डाइंग टू मीट, शी सेज टू मी आई नीड यूअर, ही सेज टू मी आई एम योर एनिमी, ठीक है जी। आप कोई भी उठा लें, शी सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर, शी सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, मतलब इस तरह के जितने भी आ जाएँ आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी। और आपको सेट आ रहा तो आपको उसमें क्या करना, ही टोल्ड, वो कहेगा ही सेड टू मी, आपने कहना ही टोल्ड मी, शी सेज मी, शी टेल्स मी, ही से मी, ही से टू मी, शी टेल मी, या ही टेल मी, जो भी है आपने इन चीज़ों में इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमास आएंगे ना, अदारी बात है, दो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, उसको आप किसमें चेंज कर देंगे, डैट में। जैसे आया ही सेज मी, आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे, ही अब आया क्या, ही से टू मी आई एम योर ब्रदर, ही टेल मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो जाएंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सारे सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल से रूल के बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप क्या करें, जब भी मैं आपको ये करवाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था, जो मेरे स्टूडेंट्स थे 5-6, उन सब ने मुझे पिछले 5-6 पेपर्स के बेस्ट एक्टिव पेपर्स सेंड कर दिए फ़ौरन ही,
मतलब एक दिन के अंदर ही, हालांकि मैंने भी खुद भी नहीं किया था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने 5 6 सालों के 2014 15 16 17 19 सबके एक्टिव पैसेज भेज दिए कि सर ऐसे हो, सबके सारे एक किसी के एक दो गलत थे, बाकी सारे ठीक थे। मतलब कि नो मतलब बगैर चॉइस के, एक तो होता ना 8 में 5 करोड़, उन्होंने 8 के 8 सेंड किए थे मुझे हर पेपर के, और सिर्फ यही रूल फॉलो किए थे जो मैंने उनको एक्टिव पैसिव वाइज में करवाए थे, जो आप मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको यही रूल फॉलो करने हैं, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको आखिरी लास्ट रूल बताता हूँ, जो आपको टेबल याद रखना है, और ये टेबल आप बनाएं, आपके पास अगर पेन पेपर है आप अपने पास बैठ के इसको बनाएं। यही टेबल है जिसकी वजह से हमारा सारा आगे अटैक इंटरैक्ट का फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, इसी टेबल के अकॉर्डिंग उस टेबल को ऐसा रट्टा मंगा लेना कि पेपर में जब आप जाएं पीएमएस के, तो पहले ही पेपर शुरू करने से पहले आपको ऐसा ये टेबल याद हो कि आप पिछले मतलब रफ कॉलम पे, रफ कॉलम की जो आखिरी पेज होता होगा वो रफ पेज होता, अब उसको ये टेबल बना दें और चुप करके इसी के अकॉर्डिंग पेपर करें। मतलब इंटरैक्ट इंटरैक्ट 5 नंबर के इसी हिसाब से होगा, तो ये 5 नंबर हमारे पक्के हैं, एक्टिव पैसिव वाइज, ट्रैक एंड ट्रैक, प्रेपोजिशंस और ट्रांसलेशन, और क्या नाम है हमारा, लेटर एप्लीकेशन, ये नंबर हमारे पक्के हैं। इन्हीं चीज़ों से बंदा इंशाल्लाह हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। हमें बस यही चीज़ें चाहिए होगी, पैसी भी है, पैसी तो फिर वही है ना, वो तो फिर सोने भी सागा, वो तो करनी ही करनी है, बाकी बेशक चीज़ों को आप हाथ भी ना लगाओ, आप इन्हीं चीज़ों पर आप इजीली 50 मार्क्स और 60, मतलब कि 60 तो मार्क्स तो गए ही नहीं ना इंग्लिश में, आपने सर यही रूल फॉलो करने हैं। स्टार्ट करते हैं भाई, आप कॉलम्स बना लें, मैं आपको मतलब कॉलम तो नहीं बना दूंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, फिर आप लिखेंगे पोजेसिव ऑब्जेक्टिव, ये आपने 4 बना लेने हैं। अब इसके नीचे पहले नंबर पे आप लिखें क्या जी, आई, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में क्या आई आ रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा मी, इसका पोजेसिव नाउन क्या होगा माय, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा माइन। सेकेंड आप क्या लिखे हैं जी, आई के बाद क्या जी, हुई, उसके बाद हमारा ये क्या होगा जी, हुई ऑब्जेक्टिव का क्या बनता है अस, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा ओवर, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा ओवर्स। आई के बाद हुई, हुई के बाद क्या जी यू, बन गया यू का क्या है जी, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है यू ही होता है, लस्सी का ऑब्जेक्टिव भी इसका क्या है यूवर हो जाएगा, लस्सी प्रोनाउन इसका क्या है जी यूवर हो जाएगा। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा चुप करके बना लें, या मैं आपको 4 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, फिर आप दुआएं देंगे मुझे कि यार ये पहले हमें कभी क्यों नहीं बुलाया किसी ने। ही हिम, मतलब आपको ये बताऊंगा कि आपको चेंज कैसे करना है, हिम हिज और इसका भी क्या जी हिज। थोड़ा चले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप इसके नीचे बनाइएगा, ही के बाद क्या है शी, इसका ऑब्जेक्टिव केस वगैरह बनता है जी हर, इसका पोजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या बनता है जी हरी, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या है हर्स, इसके बाद क्या है इट, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है इट, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा इट्स, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता,
इट का नहीं होता प्लस प्रोनाउन। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट दे, इसका ऑब्जेक्टिव प्लेस होगा देम। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा देयर। ठीक है जी, और इसका ऑब्जेक्टिव पोजेसिव सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा देयर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगी। आपने इन तीनों का पहले तीन बना लेना है, उसके बाद इसको आप बाद में आप नीचे लिख दीजिएगा। अरे अब ये टेबल आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, अभी हम इसमें पे हमने पहले तीन चीज़ें पढ़ी थी कि हमने चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम पहले चीज़ में चेंज ऑफ पर्सन, हमने पर्सन कैसे चेंज करना होता है। चले अभी हमें एग्जाम्पल्स करनी अच्छी खासी। शी सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमास के हैं जी, माइन इज यूर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, डायरेक्ट हम इसको इंटरेक्ट पे करेंगे। शी क्या है, शी का शी आ जाएगा, सेज आ रहा है, मैंने आपको बताया था अभी सेज आ रहा था, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेल्स में। टू को काट देंगे, टू कभी नहीं आएगा, शी टेल्स मी। ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। उसके बाद क्या, इन्वर्टेड कॉमास को अगर हम चेंज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे दैट। अब आप निकाल लें टेबल, टेबल में देखें माइन कहाँ लिखा हुआ है, माइन है लिखा हुआ है जी। अगर आप टेबल देखेंगे तो आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है वो हमारे, अगर आप आई का देखेंगे सबसे एंड में लिखा हुआ पोजेसिव प्रोनाउन का माइन। ठीक है जी, अब मैंने क्या कहा था जी, जो आपका पहला जी सबसे पहला था कि फर्स्ट पर्सन को हम क्या करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या आ रहा है, माइन आ रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी। ठीक है, अब माइन को हमने क्या करना है, अब फर्स्ट सब्जेक्ट को हमने चेंज करना है सब्जेक्ट के लिहाज से, दूसरे को हमने करना है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, हमें चेंज नहीं करना। ठीक है जी, अब आप देखिए माइन कहाँ पे है जी, पोजेसिव प्रोनाउन के एंड पे लिखा हुआ है, मतलब वो सब्जेक्टिव केस में आई में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है शी है, तो शी देखे कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, शी लिखा हुआ है जी, शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, हर्स। टेबल में देखें हर्स लिखा हुआ है। आपको अगर दोबारा समझ नहीं है जी, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है जी। माइन पोजेसिव प्रोनाउन था, किसका था, आई का था, लेकिन हम कैसे चेंज करना है सब्जेक्ट के लिहाज से, तो सब्जेक्ट के लिहाज से शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है जी, हर्स। तो माइन की जगह हम क्या लगा देंगे जी, हर्स। इसका इस, क्योंकि टेंस हम जब चेंज करते हैं जब हमारा यहाँ पे क्या हो, पास्ट हो, मतलब थर्ड फॉर्म हो, जब यहाँ पे हो ना सेड, तब हम सेंटेंस अपना टेंस चेंज करेंगे। अब यहाँ पे से या सेज आ जाएगा तो हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये मैं आगे आपको दोबारा बताऊंगा कि आप समझ लें यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे सेज आ रहा है, कोई टेंस चेंज नहीं होना, इसका इज आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यूअर्स, यूअर्स टेबल में देखिए कहाँ लिखा हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन यूअर्स में लिखा हुआ है यू के, यहाँ पे अब हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, मी। तो यूअर्स को हमने किसके लिहाज से चेंज करना है, मी। यूअर किसका पोजेसिव प्रोनाउन है, यू का, और मी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है जी, ओवर्स। ठीक है जी, दोबारा देखें, शी सेज टू मी या शी सेज मी, माइन इज यूअर्स, यूअर्स कहाँ पे है जी, पोजेसिव प्रोनाउन यू का, और हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मी के, मी कहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है मी का, तो मी का अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, माइन। दोबारा देखें आप, दोबारा मैं आपको करवाता हूँ, हमने माइन को कैसे, इस माइन को कैसे चेंज किया, सब्जेक्ट के लिहाज से, ये पोजेसिव प्रोनाउन था तो मतलब यहाँ भी पोजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, तो यहाँ पे क्या है, शी, शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या था, हर्स, हमने यहाँ पे हर्स लगा दिया। अब यूवर्स किसके अकॉर्डिंग चेंज होना, मी के, यूवर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो मी का पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, मी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनता था, माइन, तो हम क्या लगा देंगे, हर्स इज माइन। ये हमारा क्या बन गया, इंडायरेक्ट स्पीच बन गई। आपको तीन चार एग्जाम्पल में और कराऊंगा, आपको कम्प्लीटली मतलब रट जाएगा, अगर आपको भी मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है। दोबारा अगले एग्जाम्पल पे आए,
अच्छा जी, आप अगले एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और कंप्लीट ही हो जाएगा। ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, या जी आई एम योर एनिमी, आई एम योर एनिमी, इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका हमने ये डायरेक्ट है, हमने इसको इंटरेक्ट करना है। ही सेज क्या है, तो सेज को आप किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, मी टू को खत्म करके मी लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने डैट लगा दिया, यहाँ तक कोई मुश्किल। अब आई एम है, मतलब आई है, आई किसको चेंज करेंगे, ई के, आई अब देखो कहाँ पे आता है, ठीक है जी। आई क्या है, हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, और ही क्या है हमारे पास, ई का क्या है जी, वो भी हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव केस है, दोनों सब्जेक्टिव केस आ गए। अब आप कहेंगे हम ये कैसे करें, कोई मसला नहीं है, आई का जो सब्जेक्टिव केस ही क्या बन रहा है, ही आ रहा है, मतलब आई को हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना ना, ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं, तो चुप करके हम ये चीज़ें आप लिख देंगे। दोबारा समझ लें, अब हमारे पास ये भी सब्जेक्टिव केस था, अगर आप टेबल में देखें ये भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो जब दोनों सब्जेक्टिव केस आते ना, तो चुप करके जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता ना वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो चुप यहाँ पे और सब्जेक्टिव केस क्या आ रहा है, ये आ रहा है, चुप करके ही लगा दिया, ठीक है। अब ही के साथ एम आ रहा है, आई के साथ एम आ रहा है, अब हम एम तो नहीं लगा सकते ना, ऑब्वियसली एम हमेशा ही के साथ आई के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, वो भी इंडेफिनेट में, हमने इसको भी इंडेफिनेट में कर दिया, ही इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यूअर आ रहा है, ठीक है, यूअर कहाँ, देखिए कहाँ पे आ रहा है, यूअर है हमारे पास पोजेसिव ऑब्जेक्टिव उसके अंदर, तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मी का है जी ऑब्जेक्टिव केस है, उसके अंदर पोजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है, माए, देखें मी का ऑब्जेक्टिव केस है, उसका पोजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या है जी, माए है मी के अकॉर्डिंग, और यूअर भी क्या था, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब यहाँ पे हम इसका पोजेसिव ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तो मी का पोजेसिव क्या कर रहा है, माए आ रहा है, तो ही इसके साथ लगा देंगे माए, एनी मी का क्या आ जाएगा, एनी मी। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका इंडायरेक्ट बन गया, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सबसे इजी पार्ट था इसका, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आती। यहाँ पे हम एक और दो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। दे सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी इज अ ब्यूटी, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये आ गया, सॉरी यहाँ पे देखा हुआ प्रॉब्लम, चले आगे चलते हैं जी। देगा दे सेज आ रहा, तो उसकी जगह आप आ जाएंगे टेल्स, टू को ख़त्म करके मी लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करके हमने डैट लगाया, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें जी, शी क्या है हमारे पास, पोजेसिव नाउन है, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है जी, दे है, शी क्या है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, दे क्या है हमारे पास सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे ज़रा सेंस देखें, दे टेल्स मी दैट, दे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि शी एक ही है। अब इस केस में अब आप कहेंगे कि पहले तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो होगा आपको वही लगा देंगे, अब यहाँ पे देखें ये है एक्सेप्शनल केस, ये मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि अब शी की जगह हम डेट सॉरी शी की जगह हम दे नहीं लगा सकते, यहाँ पे शी ही आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे क्या है जी, सेकंड पर्सन बन जाता है, आई हुई दे को अगर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, सॉरी थर्ड पर्सन बन जाता है देगा, और जबकि थर्ड पर्सन है उसको हम चेंज करते नहीं है, तो शी का क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, क्योंकि शी सिंगुलर है, इसे में हम दे लगा नहीं सकते, तो शी आ जाएगा, शी इज की जगह इज, और ब्यूटीफुल की जगह क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें हमारा और की सेकंड, मतलब सेकंड पर्सन तो है नहीं, शी दे टेल्स मी दैट शी इज ब्यूटीफुल, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि देखे साथ टेल्स नहीं आता, सॉरी 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 सॉरी, ये सेज के साथ भी से आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ ऐसे ही इसका जवाब होता है, मेरी भी गलती, चले माई बैड, मेरी गलती, सॉरी, दे से आएगा और दे टेल आएगा,
एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलिए अगर मेरी मैंने गलती कर दी है तो एग्जाम्पल आपको और करवाता हूँ। ही सेज इनवर्टेड कॉमास आई एम आर टीचर इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब ही का ही आ जाएगा, सेज की जगह क्या आ जाएगा, टेल्स, ही टेल्स दैट, ठीक है जी। अब आई क्या है जी, अगर आप टेबल में देखें आई और ही का मैंने पहले भी कंपैरिजन बताया था, दोनों किस में आ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस में है, तो अब आई दोनों सिंगुलर है ना, कि यहाँ पर तो सिंगुलर और वो प्लूरल का आ गया था, तो ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर, चुप करके क्या लगा देंगे, ही। ही टेल्स दैट ही, ही की जगह क्या आता है, इज अ टीचर, ठीक है, सॉरी टीचर्स नहीं है टीचर। ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया कि हमने चेंज ऑफ पर्सन कर लिया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी, चेंज ऑफ टेंस क्या है जी, लेट मी चेक कि वीडियो कितनी हो गई है। चलें यहाँ पे वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट चेंज ऑफ टेंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, और उससे अगली वीडियो में पार्ट उस चीज़ को चेंज करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपको ट्रैक एंड ट्रैक में कभी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप ये टेबल फॉलो करेंगे, मतलब आपको अगर टेबल फॉलो करना है, अगर टेबल नहीं भी फॉलो करते तो ये इतनी कॉमन सीन थी, आपको टेबल की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इन कई मौक़ों पर आपको टेबल्स की लाजमी जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको मेरी आगे आने वाली पॉलिटिकल साइंस की, आगे मैं सारे सीएस के सब्जेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ और साथ में इंग्लिश के भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन और प्रपोजिशन जो उसमें आए सीएसएस की भी स्टार्टिंग अभी है, फिर आगे भी मैं सीएसएस को ले जाऊँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।